एक बकरी और एक ब्रीडर रखा था घर पे, और उसी से फिर मैंने दो बकरी और लाया, और उसी एक ब्रीडर और तीन बकरी का मेरे पास जितना भी आज क्वांटिटी है 29, सब उसी का बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ संतोष जी हैं जो कि जॉब के साथ साथ अपना काम भी करते हैं, जो कि गोट फार्मिंग वो करते हैं जॉब के साथ साथ। तो नमस्कार संतोष जी, कैसे हैं आप और कुछ बताइए अपने बारे में, अपने हमारे दोस्तों को। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मैं एक ऑपरेटिव अकाउंट का काम संभालता हूँ सूता पट्टी में, कपड़े का दुकान में। तो मैम क्या था कि गॉड एक दो तो मेरे यहाँ था ही, तो उसी को देख के मुझे गॉड फार्मिंग का मतलब कि करने का शौक चल गया। तो मैंने क्या किया कि कुछ जानकारी इसके बारे में नहीं थी मेरे पास, तो मैं सीधा सोनपुर मेला जो लगता है बिहार में, बहुत बड़ा मेला लगता है हाजीपुर में, हाजीपुर से आगे सोनपुर है, तो वहाँ से मैंने गया और मैं वहाँ से जाके 13 बकरी खरीद के लिए आया। राजस्थानी बकरी मैंने वो खरीद के लिए आया था, और ठंड का सीजन में तो खास करके बकरी फार्मिंग चालू करना नहीं चाहिए। और मैंने क्या किया कि मैंने ठंड के ही सीजन में, कुछ नॉलेज थी नहीं, यूट्यूब पर वीडियो देखा और बहुत ही एग्रेसिव हो गया कि नहीं मुझे करना ही है, बकरी फार्मिंग करना ही है। तो मैं और ले आया, और क्या हुआ कि उसके कल होके वो बकरी को दस्त, खांसी, सर्दी, बुखार वगैरह वो सब लगना चालू हो गया। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, तो मैं जो भी मेरे पास जानकारी थी, मैंने दस्त के सुइया वगैरह भी लगाया, दवाई भी दी, फिर मैंने कांटी से ब्लॉक से डॉक्टर को भी बुलाया, उसने भी देखा और उसने भी दवाई दी, और मेरे बकरी सब में पीपीआर का मान ले कि बीमारी फैल गया था मैम। और इसके वजह से मेरी सारी बकरियां मर गई, सिर्फ तीन ही बकरियां बची थी, बाकी 10 का मोर्टेलिटी हो गया था। तो उसके बाद भी मैंने सोचा कि अब करे कि नहीं करे, तो फिर मैं एक और बकरी लाया, और मेरे पास एक पार्टी था तो उसी को, दो बकरी को मैं छत पे रखता था, और उसी पे छत पे रखते ही रखते आज मेरे पास 29 बकरी है। अच्छा, तो आपको ये पता कैसे चला कि जैसे आपने सर्दी में लाके बकरियां गलती कर दी, जैसे आप कह रहे कि आपने YouTube में देखा और आपको लगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, आप ले आए, फिर आपको एग्जैक्टली समझ में कब आया कि ये मैंने गलती कर दी इस वजह से। मैम क्योंकि इसके बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर जी आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर कोई बकरी बीमार होती है तो एग्जैक्ट टाइम में आप डॉक्टर को नहीं बुला सकते हैं, डॉक्टर को भी आने में समय लगता है, या फिर कहीं और वो गया हुआ रहता है तो कल का टाइम भी दे सकता है, और बकरी का उसी एट ए टाइम ही इलाज करना पड़ता है। मैंने देखा तो मैं कुछ इसके बारे में और भी यूट्यूब से नॉलेज लिया, उसके बारे में जाना, दवाई के बारे में समझा, फिर मैंने पटना से भी ट्रेनिंग, 2 दिन का ट्रेनिंग पटना से भी लेके आया, और फिर अपने हर एक स्टेट में, यहाँ बिहार में हर एक स्टेट में आरसीटी का ट्रेनिंग होता है, तो मैं वहाँ से भी आरसीटी का 10 दिन का ट्रेनिंग मैंने बकरी फार्मिंग में लिया हूँ। तो जैसे आप जॉब कर रहे थे तो अचानक से बकरी ही क्यों, ये आपने कैसे सोचा कि मुझे बकरी ही करना है, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? क्या था ना कि बकरी पालन जो मैंने एक से स्टार्ट किया था और छत पे मैंने एक दो रखना चालू कर दिया, तो उसी से मेरे पास क्वांटिटी बढ़ते चला गया, और बढ़ते चला गया तो और भी शौक जागते चला गया। फिर मेरे फैमिली बोलते थे कि बकरी पालन में मत जाओ, इतना बढ़िया काम कर रहे हो, इसी में लगे रहो, क्या ये बकरी पालन में जा रहे हो, अच्छा चीज़ नहीं है। और मेरे कुछ दोस्त लोग या मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है कुछ लोग जो कहते कि क्या धंधा खोल लियो, बकरी पालन और कुछ नहीं तो बकरी पालन। तो फिर मैंने कहा कि इसमें बहुत ही बड़ा स्कोप है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन गोट फार्मिंग में अगर आप ऐसे कि अपने इंडिया स्टेट में देख लीजिए, राजस्थान ऐसा स्टेट है जिसके यहाँ बकरी फार्मिंग पे ही कितने घर चलते हैं, और इंडिया का टॉप लेवल पे राजस्थान आता है बकरी फार्मिंग में, चाहे वो मीट पर्पस से हो या दूध पर्पस से हो, हाइब्रिड ब्रीड आप जो भी देख लीजिए वो राजस्थान में ही मिलता है। तो जब वो स्टेट बकरी फार्मिंग में आगे डेवलप कर सकता है तो फिर हम बिहार में रह के क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। 13 बकरी हाथ सोनपुर से लाया था तो 10 अच्छा तो मर गया, बचा था 3, तो 3 में से मैंने 2 को कुर्बानी में बेच दिया, अच्छा और एक को क्या हुआ था कि चढ़ने गया था तो उसे कुत्ता वगैरह ये सब काट लिया था, फिर
तो इसके वजह से मैंने उसे हटा दिया था। तो उसके बाद मैंने एक बकरी और एक ब्रीडर रखा था घर पे, और उसी से फिर मैंने दो बकरी और लाया, और उसी एक ब्रीडर और तीन बकरी का मेरे पास जितना भी आज क्वांटिटी है 29 सब उसी का बना हुआ है। फिर मैंने बाहर से कुछ भी खरीदा नहीं है, जो भी है अच्छा। मेरे पास बकरी है या ब्रीडर है सब मेरे फार्म का ही है। अच्छा, तो जैसे आपने बकरी फार्मिंग शुरू की, ठीक है, तो शुरू शुरू में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? शुरू शुरू में क्या मैम कि अगर बाद में आप एक दो रख रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जी जी जब क्वांटिटी लगी तो फिर रख रखाव खान पीन दिक्कत होने लगा, और ज्यादा करके कोई खास बीमारी नहीं आती है, दस्त हो गया आपको और निमोनिया बुखार आ जाता है, लेकिन एक और बीमारी आती थी आफड़ा का, पेट फूल जाता था, तो उसमें भी मैंने क्या करता था कि जो पेट फूलने का मीठा सोडा होता है वो मैं उसे देता था, हिमालय बतीसा खिलाता था, अरे को गैस का जो दवा आता है वो मैं उसे पिलाता था। तो ये जैसे आपको फार्मिंग करते करते नॉलेज आ गई, तो ये क्या डॉक्टर्स आपको बताए कि आपने खुद सर्च किया या कैसे ये नॉलेज? मैं फार्मिंग से ही सीखा था। फार्मिंग से ही? आरसीटी में ट्रेनिंग तो मैं 2022 के अक्टूबर में लिया था मैं। अच्छा, तो अभी किन किन ब्रीडों पे आप काम कर रहे हैं? मैं क्रॉस ब्रीड पे काम करता हूँ। अच्छा, संकर नस्ल क्रॉस ब्रीड, जैसे कि मेरे पास क्रॉस ब्रीड की बकरियां हो गई, जैसे कि सिरोही की क्रॉस, जखराना, और उसे मैं मीटिंग कराता हूँ गुजरी से और सिरोही से। मेरे पास तीन ब्रीडर है, दो गुजरी और एक सिरोही। अच्छा, तो जैसे जो हमारे दोस्त हैं वो चाहते हैं कि, जो दर्शक हैं मान लीजिए, वो गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो जब वो गोट खरीदेंगे तो किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे आप जरा बताइए? मैम जब वो गोट खरीदे तो मैं तो कहता हूँ ट्रेडर से कभी ना खरीदे, अच्छा, आप गांव से खरीद ले, गांव में जाके घूम घूम के गांव से खरीद ले, नहीं तो एक अच्छे फार्मर यानी कि जो वैक्सीन लगा कर रखता हो, ट्रेडिंग के नाम का फार्मिंग हो वैसा नहीं, जो ब्रीडिंग सेटअप खोला हो उसी से आप बकरी लीजिए। अच्छा, और मैं तो कहूँगा बच्चा से शुरुआत ना कर, बच्चा से शुरुआत करेगा तो आप इरिटेट हो जाएगा क्योंकि अब ये सियाना होगा, दो दांत का होगा, फिर मीटिंग कराइएगा, फिर वो 5 महीने गर्भ में रहेगी, तो लंबा प्रोसेसर हो जाएगा। तो लंबा प्रोसेसिंग के लिए आपको क्या करना होगा कि शॉर्ट प्रोसेसिंग में चलिए, आप गाभिन बकरी खोजिए, नहीं तो 1 से 2 बियान की बकरी खोजिए। तो अच्छे ग्रोथ के लिए फिर आप क्या क्या चीजें आप एडवाइस करेंगे, आप क्या क्या फॉलो करते हैं? अच्छे ग्रोथ के लिए मैम तो मैं यही कहूँगा कि बकरी लाने से पहले दो चीज आप अपने फार्म में कर लीजिए, एक तो बकरी का खाना और एक बकरी का रहना, ये दो चीज आप करने के बाद ही तीसरा चीज बकरी लाई, क्योंकि बकरी आप मान लीजिए आपके पास घर है, घर ऑलरेडी बना हुआ है, या फिर आपके पास कोई छोटा मोटा मकान ही है जिसमें आदमी लोग नहीं रह रहे हैं तो आप उसमें बकरी रखिएगा, लेकिन आते ही वो तो खाना मांगेगी ना, तो खाने के लिए आपको व्यवस्था हरा चारा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप हरा चारा में कोई भी हरा चारा उगा सकते हैं, जैसे कि अभी गर्मी का सीजन है, सुपर नेपियर जो 12 मास 5 साल तक रहता है, बरसीम का तो सीजन खत्म हो गया, अल्फा उगा सकते हैं। अच्छा। बाजरा उगा सकते हैं, उसके बाद बहुत सारा मैम हरा चारा का ऑप्शन है आपके पास। अब जो मुझे लग रहा है, जैसे आप अभी कह रहे हैं ये आप बकरियों को इतना टेक केयर करके रखते हैं, तो 24 घंटे होता है इंसान के पास, लेकिन आप एक बात बताइए, इतना केयरफुली आप इतने बकरियों को, अभी तो 29 आप कह रहे हैं है ना, है आपके पास, तो उसके साथ साथ नहीं अभी तो फिलहाल तो फिर आपके पास 29 है ना अभी, और उसके साथ साथ, हाँ 29, उसके साथ साथ आप जॉब भी कर रहे हैं, तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं, क्योंकि बकरियों को तो प्रॉपर 24 घंटे ख्याल चाहिए होगा। मैनेज तो मैम ये इसलिए होता है कि जैसे कि अगर आपके जाने के बाद आपके बात करने वाला कोई घर पर रहना चाहिए, स्टाफ के भरोसे खुलिएगा बकरी फार्म तो फिर मालूम चले कि आप पैसा डुबा रहे हैं, स्टाफ तो आएगा क्या खाएगा उससे मतलब है नहीं, वो खाया नहीं खाया उसको तो पैसा चाहिए, लेकिन आपका तो पूंजी लगा हुआ है ना, आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तो आप केयर कीजिएगा ये बकरी क्यों नहीं खा रही है, ये बकरी साइड में क्यों है, तब उसे चेक कीजिएगा कि कहीं उसको बुखार तो नहीं ना है, कहीं मान लीजिए लूज मोशन तो नहीं ना हो रहा है, तो ये सब आपको केयर करना पड़ेगा। बाद में आप स्टाफ भी रखते हैं तो आपको सुबह शाम अपने आप, जैसे कि सुबह में तो आप 10 बजे ड्यूटी चले जाइएगा, तो सुबह से उठते मात्र आपको देखना होगा कि हाँ उठने के बाद मेरे फार्म में सारा चीज़
बेटर है, बकरी सब खा रही है, उसके बाद आप ड्यूटी चले जाइए, उसके बाद आप ड्यूटी से आइए तो देख लीजिए कि हाँ केयर वगैरह अच्छा से हो रहा है तो मैनेज हो जाएगा। एक्टिव तो होना पड़ेगा, केयर तो करना पड़ेगा, खुद से वो चीज करना पड़ेगा। नहीं मैम वो तो ऐसे जैसे कोई अभी आपने बताया, जैसे अगर कोई बकरी खरीदता है तो पहले तो खाने का व्यवस्था और रहने का व्यवस्था आपने बोला है कि उसको जरूर ध्यान रखे, उसके बाद ही बकरी लाइए। तो जो शेड है या फिर जो रहने का व्यवस्था है, वो आप कैसे, क्या चीजों का ध्यान रखने के लिए बोलेंगे और कैसे व्यवस्था करने के लिए बोलेंगे जो हमारे नए हैं जो करना चाहते हैं इस फार्मिंग को? मैम, जैसे कि पहले तो ये बात है कि अगर आपके घर में कोई पुराना शेड है, अच्छा ऑलरेडी कोई घर है बना हुआ, या फिर गाय का अगर बथान भी है जिसमें गाय वगैरह पहले रखते हो या नहीं अभी रख रहे, या मुर्गी पालन का ही पहले टूटा फूटा हो, तो अगर उसमें एडजस्ट कर सकते हो तो उसमें आप एडजस्ट कर लीजिए। अब बाद में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप नया फार्मिंग नया फार्म बनाना चाहते हैं, तो छोटा इन्वेस्ट कीजिए, ये नहीं कि बड़ा 5 लाख 4 लाख का इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि अगर आपके साइड में अगर बाढ़ एरिया नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ थोड़ा बाढ़ एरिया आ जाता है, तो उसके उसके लिए हमें थोड़ा ऊंचा करके मट्टी वगैरह भरवाना पड़ा, क्योंकि फिर बाढ़ में तो हम बकरी को लेके कहीं जा नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते जी। के लिए हमको उसको ऊंचा करना पड़ा और सॉलिड देना पड़ा कि ताकि मट्टी जब मान लीजिए 12 फीट ऊंचाई करना पड़ा हमें जमीन से, तो जब 12 फीट ऊंचाई करेंगे तो उसका नीचे का बेस भी हमको मजबूत देना पड़ा, नहीं तो अगर मट्टी भरने से क्या होता है, किसी का बेस फट जाएगा और मट्टी सब निकल जाएगी। तो इसके लिए अगर एरिया में बाढ़ है तो वो नीचे से बेस मजबूत करे, अगर जी उसके एरिया में बाढ़ नहीं आती है तो वो आपने क्या कर सकते हैं कि छोटा मोटा मतलब कि आप चाहे तो लकड़ी का भी जो चीर के बनाया जाता है फार्म झोपड़ी टाइप का, उस टाइप का बना सकते हैं, या आपके पास पैसा है बजट लगा सकते हैं तो आप करकट ईंट का भी बना सकते हैं। तो सर, जैसे आप गोट फार्मिंग करते हुए काफी सारी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ा होगा, तो किन-किन बीमारियों को सबसे ज्यादा इन गोट्स के ऊपर असर होता है और उनसे कैसे बचा जाए, वो आप हमें बताइए। मैम देखिए, जब सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि बकरी का आप वैक्सीनेशन जो होता है वो प्रॉपर तरीके से आप उसे लगा दीजिए। 3 वैक्सीन लगाना होता है मैम, ईटी, अच्छा, ईटीआर और FMD। तो ये इसका कोई तीनों समय का भी होता है, एज होता है बकरियों का? जी 3 मंथ के बाद आप मैम उसे PPR लगा सकते हैं, 3 महीने के बाद 21 दिन के बाद आप उसे ईटी दे दीजिए, उसके बाद FMD का लगा दीजिए। तो ये तीनों वैक्सीन मैम जब आप लगा के रखेंगे तो आपको बकरिया का बीमार होने का चांस बहुत कम है, जैसे कि कम ये हो वायरल जाएगा। भी। जी मैम, सबसे इसमें घातक है ईटी, पहले PPR। मैम यार क्या होता है मैम कि इसमें इसमें आपको बकरी को दस्त, खांसी और बुखार आएगा। अगर आपके बारे में किसी एक भी बकरी को PPR का अगर बाद में लक्षण नजर आ रहा है और उसमें PPR बीमारी आ गया है, अगर उसे आप वक्त रहते अपने बारे से साइड करके उसका इलाज नहीं करेंगे और उसी तरह छोड़ देंगे, तो वो उस वायरल बीमारी पूरे आपके फार्म में फैल जाएगी, यानी जितनी बकरी है सबको PPR हो जाएगी, और उसका अच्छा बचना मानी कि बहुत कम परसेंट में ही आप अपनी बकरी को बचा सकते हैं। अगर अच्छे नॉलेज में हो और अच्छे नॉलेज आपके पास है तो ही आप बचा सकते हैं, नहीं तो मान के चलिए कि अगर 60-70 भी आपके पास बकरी है, अब PPR आ गया तो 50 को तो लपेट ही लेगा। अच्छा जी मैम, और ईटी जो होता है इंट्रोटॉक्सोनिया होता है मैम, जिसमें मतलब कि पेट फूल जाता है ना, उसमें दर्द वगैरह बकरी को होने लगता है। और FMD होता है मुंह पका, जो मुंह में घाव वगैरह हो जाता है ना, जिससे मुंह में चारों तरफ से घाव हो जाती है, उसे FMD बोलते हैं। अच्छा तो ये मेन 3 बीमारियां हैं और इससे हम बच सकते हैं बहुत आसानी से अगर हम लोग वैक्सीनेशंस करवा लें। तो इसके अलावा कोई ऐसा खास एडवाइस या आप सजेशन कह लीजिए जो जॉब के साथ साथ अगर बकरी फार्मिंग में जैसे आप कर रहे हैं वो करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा आपके तरफ से सुझाव? मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप जॉब के साथ बकरी फार्म करना चाहते हैं तो आप पहले तो ट्रेनिंग कहीं से भी लीजिए, लेकिन पहले ट्रेनिंग ले लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद जैसे कि क्या होता है कि आप तो वहाँ ट्रेनिंग लिए हैं लेकिन प्रैक्टिकल का नॉलेज आपके पास नहीं है, आपके पास ओनली आपके थ्योरी का नॉलेज है। तो ऐसा कीजिए कि आप 3-4 फार्म विजिट कीजिए, और कहीं अगर बाद में फार्म पे आपकी बात कीजिए कि हाँ भैया 1-8 महीना हम यहाँ रख के कुछ सीखना चाहते हैं कि बकरी का रख रखाव कैसा होता है, उसका खान पीन क्या है, बीमारी का सिम्टम क्या है, तो अगर आप कहीं 1-8 महीना रह के प्रैक्टिकल सीख लेते हैं तो ये आपके लिए आगे चल के बहुत ही बेनिफिट होगा।
तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सुझाव दिया है संतोष जी ने, जो अपने अनुभव से उन्हें लगा है कि अगर मतलब शुरू में ही किसी जीव को आप अपने घर में ना लाएं, है ना, इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले ट्रेनिंग लें। और सबसे बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात, सबसे बढ़िया बात है कि आप किसी फार्म में जाकर विजिट कीजिए, तो वो जो नॉलेज डेफिनेटली किसी को मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा हमें। तो दोस्तों ये वाला सुझाव आप देख लीजिए, और संतोष जी हमारे चैनल में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय देने के लिए। हम आशा धन्यवाद करते धन्यवाद। हैं आगे आपका फार्मिंग और अच्छा रहे और ब्रीडिंग के ऊपर और अच्छा आप काम करें, और ऐसे ही सबको आप इंस्पिरेशन देते रहें सर। थैंक यू मैम। नमस्कार जी। नमस्कार मैम।